दोस्तों YouTube से पेमेंट लेने के लिए आपको एडसेंस पर अपना बैंक अकाउंट कैसे जोड़ते हैं आज आपको बताएंगे। आपको बता दें कि अगर एडसेंस आपके नाम से है या फिर किसी के भी नाम से है और बैंक अकाउंट आप दूसरे का किसी का भी जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपको बता दें कि आपका एडसेंस पिन आ गया है और आप उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे वेरीफाई करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा तो जा करके देख सकते हैं। तो आज जानते हैं कि हम बैंक अकाउंट कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करेंगे गूगल एडसेंस। जैसे ही आपका सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल एडसेंस का लिंक, तो इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उस वाली ईमेल आईडी को ज़रूर लॉगिन रखिए जिस पर गूगल एडसेंस आप लोग बना रखे हैं, ठीक है, तभी आपका गूगल एडसेंस लॉगिन होगा। जैसे ही आपका एडसेंस लॉगिन होता है तो उसके बाद में यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाइए और इसको कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप कर दीजिए। डेस्कटॉप साइड नीचे लिखा हुआ है तो आप क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप वर्जन पे हो जाएगा। डेस्कटॉप साइड वर्जन पे हो चुका है, आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब कैसे जोड़ना है पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगर आप अपने मोबाइल से बैंक अकाउंट जोड़ते हैं तो आपको यहां पर साइड पर थ्री लाइंस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर साइड पर दिखाई देगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ चुका है, अब आपको कैसे कैसे करना है एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखना तभी जोड़ना। पहले पूरा वीडियो देख लेना उसके बाद जोड़ना दोबारा वीडियो देख करके, नहीं तो कहीं भी गलती आप कर सकते हैं। अकाउंट जोड़ने के लिए आपको ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप किसी का भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं और किसी भी बैंक का अकाउंट जोड़ सकते हैं, चाहे जिसके नाम से आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बना हो, लेकिन आप किसी का भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। अब आपके सामने ये पेज खुल चुका है पूरा, जिस पर आपको पूरा एड्रेस एक एक बड़े ध्यान देकर आपको सबमिट करना है। जो डिटेल्स हैं मैंने उनको बड़े पर्दे पर कर लिया है ताकि आपको साफ साफ दिखाई देने लगे। तो यह पहले ऑप्शन पर है बेनिफिशियरी, ये ऑप्शनल है, इसको भरिए या फिर ना भरिए कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है, तो हम इसको नहीं भरेंगे। अब पहले दूसरे नंबर पर है नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपके जो बैंक अकाउंट में आपका कौन सा नाम है, ठीक है, कि जैसे कि मेरा है संध्या के नेम से है जो बैंक अकाउंट, तो जो बैंक अकाउंट में नेम है संध्या है तो मैं संध्या डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको बैंक नेम डालना है, आप कौन सा बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको उसी अकाउंट में उसमें आपके ही पासबुक में IFSC कोड डाला होगा तो उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में आपको स्विफ्ट कोड डालना है। स्विफ्ट कोड का मतलब है आपके ब्रांच का, जैसे कि मैं बड़ौदा बैंक का जोड़ रहा हूँ तो मैं बड़ौदा बैंक का स्विफ्ट कोड लगा दूंगा, जो कि आसपास के शहर में या फिर दूसरे ज़िले के भी हो सकता है जो आपके पास में पड़ता है, तो आप कहीं से भी कस्टमर केयर का नंबर ले लीजिए गूगल से, जैसे कि मैंने किया था, और गूगल से कम 5-6 बार कॉल किया बार बार कंफर्म करने के लिए कि स्विफ्ट कोड कहीं गलत तो नहीं मुझे बताया जा रहा। फिर मैंने कम से कम 5-6 बार कंफर्म करके अब स्विफ्ट कोड मैंने ले लिया कस्टमर केयर से और यहाँ पर डाल देंगे स्विफ्ट कोड। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उस ब्रांच में जाना पड़ेगा जहाँ का वो लोग स्विफ्ट कोड देंगे, तो आप उस शहर का स्विफ्ट कोड मांग लीजिएगा। अगर आपके शहर में नहीं है तो दूसरे शहर का या फिर तीसरे शहर का, किसी भी शहर का लगा सकते हैं। उसके बाद में अकाउंट नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है रेटाइप अकाउंट नंबर, आपको दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है। डालने के बाद में वो कन्फर्म करने के लिए दोबारा अकाउंट नंबर मांगता है। उसके बाद में आपको पूरा चेक कर लेना है सही से कि कहीं आपने कोई गलत तो नहीं कर दिया। उसके बाद में सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपने डिटेल भर दी है और भरने के बाद में
नीचे दिया हुआ है सेव का ऑप्शन, तो सेव कर देंगे। सेव होने के बाद में आपका सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट का जिस नाम से है वो नाम लिखा हुआ है और लास्ट के चार डिजिट इस पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर हमारी मैसेज भी आ चुकी है कि भाई आपने बैंक अकाउंट जोड़ दिया है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको अगर दोबारा चेंज करना है या फिर दोबारा कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको सही करना है, तो एडिट के ऑप्शन पर जा कर के सही कर सकते हैं, या फिर दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं तो ऐड पेमेंट मेथड पर जा कर के इसको फिर से दूसरा बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि किसी टाइप की वीडियो आपको